हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आई होप यू ऑल द सेफ इन योर हाउस एंड बी हैप्पी विथ ऑनलाइन स्टडी। मतलब कि आप सब ऑनलाइन स्टडी से खुश होंगे और जो लेक्चर आपको मिल रहे हैं ऑनलाइन, उसकी स्टडी आप घर बैठे कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 में हिंदी में सूरदास के पद, काव्य 7 सूरदास के पद के बारे में समझते हैं। सूरदास के पद के लेखक सूरदास जी खुद है। इस काव्य का नाम ही उनके नाम पर से रखा गया है। उन्होंने इस काव्य में 2 पद दिए हैं, इसीलिए सूरदास के पद काव्य का नाम उनके ही नाम पर रखा गया है। उनका जन्म सन 1478 में और उनका निधन सन 1573 में हुआ था। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि उनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। देखिए, उन्होंने इस पद में भी कृष्ण की लीला का ही वर्णन किया है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भाव का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया है कि उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया है तो वो किसी और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। सुर ने यानी कि सूरदास जी ने आराध्य देव का गुणगान किया है। आराध्य देव यानी कि श्री कृष्ण। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है, यानी कि ये पहला और दूसरा दोनों पद में उन्होंने श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। देखिए दोस्तों, आप सब समझ गए होंगे कि इस पद में सूरदास कवि ने श्री कृष्ण की लीलाओं का, श्री कृष्ण के प्रति उनका जो भाव है, उनकी जो दृष्टि है, उनका वर्णन उन्होंने इस दोनों पद में किया है। तो हम अब आगे इन दोनों पद को समझते हैं। विनय तथा भक्ति, यानी कि इन दोनों पद में उन्होंने विनय तथा भक्ति का वर्णन किया है। पहला पद समझते हैं। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन अनंत यानी कि अन्यत्र, किसी और जगह पर। उनका मन है वो किसी और जगह पर कहाँ सुख पावे। कवि अपने आप से प्रश्न करते हैं कि उनका जो मन है वह किसी दूसरे स्थान पर सुख नहीं पाता है, कहाँ सुख पावे, ऐसा वो खुद से कहते हैं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, यानी कि जैसे कोई पंछी होता है जो जहाज पर होता है, वो उड़कर जहाज पर वापस आता है, यानी कि वो जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही वापस आता है, वैसे ही उनका मन है वो किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी कहीं सुख नहीं पाता है सिवाय कि कृष्ण के, ऐसा वो कहना चाहते हैं। कमल नैन को छोड़ी महातम। कमल नैन को छोड़ी यानी कि कमल नैन, यहाँ पर कमल नयन श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा है। कमल नयन आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण को एक नाम दिया है। कमल नयन को छोड़ी महातम,
कमल नैन को छोड़ी महात्म, यानी कि जो श्री कृष्ण जी है उनकी महिमा को, उनके जो गुणगान है उनको छोड़कर, कवि कहते हैं कि कमल नैन श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर और देवों को ध्यावे, यानी कि वो कहते हैं कि और किसी देवता को वो कैसे आराधना कर सकते, और किसी की देव देवता को, देवस्थान को वो पूज नहीं सकते हैं कमल नैन श्री कृष्ण को छोड़कर। कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे, यानी कि कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकते हैं, ऐसा वो खुद से प्रश्न पूछते हैं। परम गंगा को छोड़ी पियासो दूर मति कुप खनावे। देखिए यहाँ पर कुप, कुप का मतलब है कुआ, खन पावे यानी कि कुएं की खुदवाई करवाना। परम गंगा को छोड़ी यानी कि जो व्यक्ति गंगा के पास होता है वो गंगा का पानी पीने से, जो प्यासा होता है वो गंगा का पानी पीना छोड़कर कहीं दूर कुआं खुदवाए, ऐसा कभी आपने देखा है, सोचा है? ऐसा कवि कहते हैं कि अगर किसी प्यासे व्यक्ति को पानी की प्यास लगे तो वो पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो वो मूर्ख कहलाता है, ऐसा कवि कहते हैं। जिहि मधुकर अंबुज रस चाखियो, जिहि मधुकर अंबुज रस चाखियो, जिसने जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो। देखिए यहाँ पर जिहि मधुकर, मधुकर का मतलब भौरा। अगर आप सब लोग, मैं जो शब्द का अर्थ बता रही हूँ उसको नोट डाउन करना चाहे तो साथ साथ कर सकते हैं। इस पद में कई ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब, जिनका शब्द का अर्थ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिहि मधुकर यानी कि जो भौरा है वो अंजुम रस, अंजुम, देखिए मधुकर के बाद जो शब्द आता है अंजुम, अंजुम यानी कि कमल, कमल का रस। जिस भौरे ने कमल का रस चख लिया हो वो करिल के फल का रस उसे कैसे अच्छा लग सकता है, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्यों करिल फल भावे, यानी कि जिस भवरे ने कमल रस चख लिया हो उसे करिल का, यानी कि ये जो करिल एक कंटीला पौधा है उसके, उसका जो रस होता है वो कड़वा होता है, इसीलिए यहाँ पर कवि कटाक्ष करते हैं कि जिस भवरे ने मधुर कमल का रस चख लिया हो उसे करिल का जो रस है वो कैसे भावे, यानी कि यहाँ पर वो कृष्ण और अपनी बात करते हुए कहते हैं कि जिसने कृष्ण का मधुर और कमल नयन श्री कृष्ण की जो महिमा देखी हो उसे किसी और देव का स्थान कैसे भावे, किसी और देव को वो कैसे ध्यान धरे, इसका उदाहरण वो दे रहे हैं कि जो मधुर कर है, जो भौरा है उसने कमल का रस चख लिया हो तो वो फिर करिल जैसे कंटीले पौधे वाले फल का रस उसे कैसे भावेगा, ऐसा कवि कहते हैं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे, सूरदास प्रभु कामधेनु यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, कामधेनु यानी कि गाय, गाय माता। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु गाय माता के समान है तो मैं उन्हें छोड़कर बकरी को कैसे दोहूँ, छेरी कौन देहूँ। देखे यहाँ पर छेरी, छेरी का मतलब होता है बकरी, बकरी को दोना, यानी कि वो कहते हैं कि कामधेनु जैसे मेरे प्रभु मेरे साथ हो तो फिर बकरी को कौन दोएगा, ऐसा सूरदास जी का कहना है। अब मैं आपको एक बार ये जो पहला पद है उसका
अर्थ है वो एक साथ बता देती हूँ। सूरदास जी पहले पद में कहते हैं कि श्री कृष्ण रूपी जो जहाज है उनका वो पंछी है, तो वो इस जहाज को अपने पंछी रूप को छोड़कर नहीं जाना चाहते। श्री कृष्ण की महिमा को भूलकर और किसी देवता का ध्यान वो नहीं धरना चाहते, वो किसी और देवता का ध्यान नहीं धर सकते। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं रही। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अंजुम रस चखने के बाद किसी और रस को पीने की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान हैं, तो उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दोहने क्यों जाऊं? ऐसा कवि का मन है और उनका भावार्थ है इस पद को लेकर। आगे हम दूसरे पद के बारे में देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। देखिए, शोभित कर नवनीत लिए यानी कि हाथ में मक्खन लिए हुए। यहाँ पर शोभित, शोभित का मतलब मक्खन, कर का मतलब हाथ, उनके जो हाथ होते हैं, यानी कि यहाँ पर उन्होंने कृष्ण भगवान का वर्णन किया है कि हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। इस दूसरे पद में लेखक सूरदास जी ने यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। कुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। कुटुरुनी यानी कि घुटनों के बल चलने वाले, रेणु तन मंडित उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। रेणु यानी कि धूल और मंडित यानी कि सुशोभित। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पद में नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, उसके बाद आता है घुटुरुनी यानी कि घुटनों के बल पर। रेणु, रेणु का मतलब होता है धूल मिट्टी। मंडित, मंडित का अर्थ है सुशोभित। मुख दधि लेप किए यानी कि उन्होंने मुख पर उनका लेप किया हुआ है। इस एक पंक्ति में कितने ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब समझना, जिनका शब्दार्थ आना जरूरी है। शोभित कर नवनीत लिए यानी कि जो बाल कृष्ण है उसके हाथ में मक्खन अत्यंत सुंदर लग रहा है। कुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए यानी कि वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उसके कारण उनके शरीर पर धूल लग गई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। यहाँ पर उनका वर्णन किया हुआ है कि वो घुटनों के बल चढ़ने के कारण उनके शरीर पर मिट्टी धूल लगी हुई है और उनके मुख पर माखन लगा हुआ है, ऐसा कवि कहते हैं। चारु कपोल, चारु यानी कि सुंदर। देखिए चारु, यहाँ पर चारु यानी कि सुंदर। कपोल यानी कि गाल, उनका जो गाल होता है उसको कपोल कहा गया है। लोल, लोल लोचन यानी कि लोल चंचल, और लोचन यानी कि नेत्र। चारु यानी कि सुंदर, कपोल यानी कि गाल, लोल यानी कि चंचल, और लोचन यानी कि नेत्र आँखें। गोरा चन तिलक दिए यानी कि मस्तक पर उन्होंने पीले रंग का तिलक किया हुआ है।
उन्होंने किसी पीले रंग का द्रव्य का तिलक किया हुआ है, ऐसा कवि कहना चाह रहे हैं कि चारु कपोल लोल लोचन गोरा चन तिलक दिए, उनके गाल सुंदर है और नेत्र चंचल है, उनके माथे पर गोरा चन का तिलक लगा हुआ है। गोरा चन उसका मतलब है कि उनके मस्तक पर कोई पीले रंग का यानी कि चंदन जैसा तिलक, चंदन के द्रव्य का तिलक किया गया है, तो वो उसके मस्तक पर बहुत शोभ रहा है। आगे देखते हैं। लट लटक लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए। लट यानी कि सिर के बालों का गुच्छा, जो लट है जो सिर पर उनके आ रही है, लटकनी उनके सिर पर से जो एक लट है जो बार है वो लटक रहा है। मनुमत मधुपगन, मनु यानी कि मानो, मत यानी कि मस्त, मधुपगन मधु इसके पहले भी मैंने बताया, मधुकर का अर्थ भी भौरा दिया गया है इस पद में और मधु उसका अर्थ भी भौरा दिया गया है। मादक मधु ही पिए, देखिए इसका अर्थ समझते हैं कि उनके सिर के दोनों ओर लटे झूल रही है, वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भोरों के समान लग रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण भगवान का ऐसा रूप दिखाया गया है कि उनकी जो भुजाएं हैं, जो उनके जो बाल हैं, वो दोनों तरफ से झूल रहे हैं और जैसे भंवरा, जो भंवरा होता है वो मस्त मधु पीकर यानी कि जो मध होता है वो पीकर जैसे जैसा लगता है मस्त रहता है, ऐसे यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान बचपन में लग रहे हैं कि उनकी दोनों भुजाएं, उनकी जो दोनों लटे हैं वो झूल रही है और वो जो भंवरा मस्त पीकर लगता है ऐसा उसके समान लग रहे हैं। मध पीकर जो भंवरा लग रहा है, जो मस्त रहता है, उसके समान श्री कृष्ण भगवान भी बचपन में बहुत अच्छे और मस्त लग रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कवि का कहना है। कठुला कंठ, कठुला यानी कि चांदी की चौकिया, चांदी की चौकिया जो होती है उससे जो कंठ बना हुआ होता है, कठुला कंठ वज्र गहरी नख। देखिए यहाँ पर गहरी नख यानी कि सिंह के नाखून। राजत रुचिर हिये, राजत यानी कि सुशोभित करना और रुचिर यानी कि सुंदर होना। आप फिर से एक बार देख लीजिए, कठुला कठुला यानी कि जो चांदी की चौकिया होती है उसे कठुला कहा गया है, और फिर जो एक उसका दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है कि बजर बट की माला यानी कि जो छोटे छोटे मोतियों से बनी होती है चांदी की चौकियों के जैसी ऐसी माला, और राजत राजत यानी कि सुशोभित अच्छा दिखने वाला, रुचिर रुचिर का मतलब भी सुंदर, और गहरी नख यहाँ पर गहरी नख का मीनिंग है सिंह के नाखून। तो कठुला कंठ वज्र गहरी नख राजत रुचिर हिये, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों वाली माला बंधन खा, और बंधन खा यानी कि जो सिंहों के नाखून जैसी दिख रही है, सिंहों के नाखून उसके ऊपर लगे हो ऐसी जो माला उन्होंने धारण की है, उससे उनका जो हृदय है वो सुंदर और सुशोभित दिख रहा है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने इस पंक्ति में
उनकी गला में जो माला पहनी है उनका वर्णन किया है कि जो चांदी की चौकियों से बनी हुई है और उसके ऊपर जो सिंह के नाखून की जो छाप है उससे ऐसी जो माला है वो उसके हृदय को सुशोभित कर रही है, सुंदर बना रही है। आगे देखते हैं, धन्य सुर एको पल इही सुख का सत्कल्प जिए। धन्य सुर एको पल, यानी कि यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखकर सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। सत्कल्प किए, यानी कि सत्कल्प, कल्प का मतलब 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि। इसमें जो कल्प है उसका मतलब है कि जो हमारी एक जीवन काल के दरमियान जो अवधि होती है उसको हमने पार लगा दिया, यानी कि जो जीवन में श्री कृष्ण को हमने भज लिया तो फिर हमने जो मनुष्य का अवतार है और जो हमारी जो अवधि है उसे प्राप्त कर लिया, हमने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया। ऐसा यहाँ पर सूरदास जी का कहना है कि धन्य सुर एको पल इही सुख है, कि हमें अगर इस बाल कृष्ण के जीवन की जो बचपन का जीवन है उसकी अगर एक भी झलक या छवि देखने को मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए और जो हमारा जीवन है वो कल्प, यानी कि फिर से जो कल्प तक जीने का अर्थ है वो हमारा परमेश्वर को पाने का जो हमारा जो मतलब है वो हमें एक ही बार में बाल कृष्ण की छवि को देखकर मिल जाएगा, सुख प्राप्त हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर कवि सूरदास जी का कहना है। फिर से मैं इस दूसरे पद का जो भावार्थ है वो एक बार बोल देती हूँ। हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है, उनके जो गाल और नेत्र है वो दोनों चंचल है। उनके माथे पर गोरो जन का तिलक, यानी कि चंदन रूपी जो पीले पीला द्रव्य है उसका जो तिलक उन्होंने लगाया है, उनके माथे पर गोरो जन का तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटे झूल रही हैं। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे हैं, यानी कि जो भौरे ने मध पिया हुआ हो और वो जो मस्त लग रहा हो ऐसे ही बाल श्री कृष्ण मदमस्त लग रहे हैं। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियाँ, बज्जर बटू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। सुदास जी कहते हैं कि उनकी अगर एक छवि बचपन की देखने को मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा उन्होंने श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया हुआ है कि श्री कृष्ण बचपन में कैसे दिख रहे हैं। ऐसे कवि सूरदास जी हमें बताते हैं कि श्री कृष्ण जी की महिमा ही ऐसी है कि उनको छोड़कर किसी और देव का ध्यान धरने का मन ही नहीं होता है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए सूरदास जी ने इस काव्य में श्री कृष्ण के पति प्रति उनकी जो भक्ति भाव है उनको उनका वर्णन किया हुआ है। सूरदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उनको श्री कृष्ण की भक्ति करने में मन को शांति मिलती थी। इसीलिए इस दोनों पद में
श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने लिखा है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको सूरदास के पद ये जो काव्य है वो समझ में आ गया होगा। सूरदास के पद जो काव्य है उसके ये जो दोनों पद हैं उनका भावार्थ आप लोगों को दोनों पद का भावार्थ हिंदी में अपनी फेयर बुक में नोट डाउन करना है। यही आपका आज का होमवर्क रहेगा। और शब्दार्थ आप लोग ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि इस पद में कई ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब आप लोगों को आना चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे शब्द हैं उसका मतलब क्या होता है, वो आप सब लोग एक बार नोट डाउन कर लेना। मैंने इस वीडियो के दौरान आप सभी को एक एक शब्द का अर्थ समझाया है, तो आप सभी शब्दों का अर्थ नोट डाउन कर लीजिएगा। और इन दोनों पदों का भावार्थ हिंदी में ही लिखना है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड स्टे सेफ, स्टे होम।